और इस बीच दंतेवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक बयान सामने आया है, धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बोले मंत्री कवासी लखमा। कहा है कि भूपेश बघेल सरकार में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, बघेल सरकार में एक भी धर्मांतरण हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ब्रजमोहन अग्रवाल, चुनौती स्वीकार करें, साबित करें, और अगर साबित कर देते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, राजनीति तक छोड़ने की बात कही है। चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो ब्रजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे दें अपने पद से। बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का भी दावा उनकी तरफ से किया गया। 4 साल में धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ, एक आदमी नहीं हुआ। अगर एक आदमी भी हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। राजनीति कोई चैलेंज कर दो, इतने आपने मैं बिल में तो चैलेंज किया था, तुम इस्तीफा दो मैं दूंगा, चलो बस। ये 15 साल में इन लोग धर्मांतर किए, 15 साल में चर्चे बने। एक आदमी सर, तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, पत्रकार लोग ज्यादा जानकर रखता है, कोना कोना में घूमता है, कहीं हुआ और तू भी बता। तो इसलिए बहुत घंटा बोलने में 3-4। तो आपने सुना मंत्री कवासी लखमा जो कि ये कह रहे हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल अक्सर इस बारे में बयान दे चुके हैं, लेकिन अगर वो इस बात को साबित कर देते हैं कि बीते सालों भूपेश बघेल सरकार के दौरान अगर एक भी धर्मांतरण हुआ हो तो उसे साबित करें, उसके तथ्य पेश करें, और उसके बाद अगर इस बात को साबित करने में वो कामयाब होते हैं तो मंत्री कवासी लखमा अपने मंत्री पद से इस्तीफा तो देंगे ही, साथ ही साथ राजनीति छोड़ने की भी बात उन्होंने कह दी है। ये भी कहा है कि अगर साबित नहीं कर पाए हैं तो ब्रजमोहन अग्रवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी बात मंत्री कवासी लखमा की तरफ से कही गई। अक्सर बीजेपी की तरफ से धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जाता है और उसी के चलते मंत्री कवासी लखमा की इस तरह से प्रतिक्रिया, अक्सर इस तरह के बयान वो बेबाकी से देते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से मंत्री कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से साफ तौर पर धर्मांतरण का एक मुद्दा जो कि अब सियासी मुद्दा छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं होता जा रहा है, बीजेपी की तरफ से देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका देवलाल जी न्यूज 18 पर। धर्मांतरण की बात बीजेपी लगातार कर रही है, धर्मांतरण धर्मांतरण कहती है लेकिन साबित नहीं करती है, मंत्री कवासी लखमा कह रहे हैं। देखिए मंत्री कवासी लखमा को या तो आदिवासी समाज से विश्वास उड़ गया है इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, जबकि जो बस्तर अंचल देखेंगे बस्तर अंचल में पूरा आदिवासी समाज धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप से घटना इसके पहले कभी नहीं देखी गई। ये कांग्रेस की सरकार में ही पूरा आदिवासी समाज उत्तेजित हो गया है कि उसके धर्म संस्कार और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर आदिवासियों की संस्कृति ही नहीं बचेगी तो आदिवासी समाज कहाँ रहेगा, आदिवासी विलुप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं धर्मांतरित करने वाले लोगों को संरक्षित करने के लिए कांग्रेस के मंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उन्हें सर माननी चाहिए कि वो आदिवासी समाज के हैं, उसके बाद भी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर धर्मांतरित के एक भी केस बता दे तो वो इस्तीफा दे देंगे। अरे उनको मालूम होना चाहिए पूरा समाज आंदोलन करने के लिए खड़ा हो गया है, तो उस समय वो आंख बंद करके बैठे हुए, कान बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है वो पढ़ नहीं सकते लेकिन उनको उनके जो लोग हैं उनको पढ़ के बताते तो हैं अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री का ये जो बयान है वो आदिवासी समाज को आहत करने वाला बयान है खासकर। लेकिन वो कह रहे हैं कि साबित नहीं करती है बीजेपी, आपने भी तमाम बड़ी बातें कह दी लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसा मामला जरूर होगा जो शायद तथ्यात्मक रूप से वो चाहते हो कि आप उनके सामने ले जाएं, और ये भी कह दिया है कि अगर नहीं साबित कर पा रहे तो ब्रजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे दें। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है धर्मांतरण हो रहा है, उसको सत्यापित कौन कर रहा है? जो छत्तीसगढ़ में जो समाज के लोग हैं, सबसे बड़ा जो समाज है, सबसे बड़ा जो तबका है आदिवासी समाज, आदिवासी समाज ही उठ खड़ा हुआ है इस सरकार के खिलाफ कि धर्मांतरण हो रहा है। ये मैं नहीं, आपने सारे अखबारों में देखा है, समाज के लोगों ने आंदोलन भी किया, पूरा बस्तर बंद करा दिया था। क्या ये झूठ है? क्या वो जन समूह जो धर्मांतरित करने वालों के खिलाफ खड़े हुए हैं वो झूठ है? जवाब ले लेते हैं देवलाल जी, आपको रोकना चाहूंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध जी लगातार ये बात उठाती रही बीजेपी की धर्मांतरण हो रहा है, मंत्री कवासी लखमा भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं लेकिन देवलाल जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण हुआ है, आदिवासी समाज में अगर जाकर पूछेंगे तो आंदोलन की राह पर है आदिवासी समाज पूरा। देखिए अवंतिका जी, मैंने बहुत सारी टीवी डिबेट्स में आपके चैनल पर और भी बहुत सारी टीवी डिबेट्स में हमेशा कहा
और सार्वजनिक भाषणों में भी कहा और हमारे सारे नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आज कवासी लखमा जी ने भी उससे सुर से सुर मिला लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब ने ये कहा है कि धर्मांतरण के सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करे। ब्रजमोहन अग्रवाल जी को अगर लगता है कि धर्मांतरण हुआ है तो अग्रवाल जी धर्मांतरण जबरिया धन जबरिया इनके साथ ये विवाद हुआ हो, अगर ऐसा वो ले आए तो हम किसी भी तरीके की कार्रवाई के लिए तैयार हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई और औचित्य बचता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और देवलाल ठाकुर जी जैसे जिम्मेदार लोगों को ये करना चाहिए कि उन लोगों को लेकर के आए, उनका सार्वजनिक बयान दिलवाएं, उनसे सबूत दिलवाएं कि उनका धर्मांतरण कैसे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में मुद्दा विहीन, दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा छत्तीसगढ़ की सरकार से लड़ने के लिए नहीं है और इसीलिए ये लोग कभी धर्मांतरण, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी जय श्री राम, यही बातें करते हैं। और ये सारे कुल मिलाकर यही कह रही है कांग्रेस की, साबित करके दिखाते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुबोध जी जुड़ने के लिए। देवला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।